हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मॉडलिंग के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज देख रहे हैं आपके स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो प्यारे अजीज बच्चों, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर एट से कुछ पढ़ाया था और कुछ बाकी था। तो बकिया को देखा जाए, बकिया देख रहे हैं तो आपका लिखा हुआ है कि मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। मंदरजा ज़ेल सवालात के जवाब दीजिए। सवालात के जवाब बार लिखिए। सवालात के जवाब लिखिए। तो इसमें लिखा है मुसाफे नंबर ए सवाल, सवाल नंबर वन। क्या लिखा है? सवाल नंबर वन मुसाफिर को तेज, मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था। मुसाफिर को तेज धूप में कहां का सफर करना था? जवाब है एक गांव से दूसरे गांव का सफर करना था। एक गांव से दूसरे गांव का सफर करना था। नेक्स्ट आंसर आपका है वह रास्ते में किस गर्ज से रुका। आपका आंसर आएगा जवाब नंबर टू। क्या आएगा? आराम करने की गर्ज। क्या आराम करने की गर्ज से वह रास्ते में एक जगह रुक गए। जवाब में आएगा आपका आंसर है वह रास्ते में किस गर्ज से रुका। आपका आंसर है कि आराम के गर्ज से वह रास्ते में एक जगह रुक गए। ठीक है,
आपका नेक्स्ट आंसर है ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे। ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे। मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे। ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे, है ना, क्यों लड़ने लगे। लिखे है आपका ऊंट का मालिक और मुसाफिर क्यों लड़ने लगे, तो आपका आंसर आ रहा है जवाब, जवाब में आंसर में आया जवाब ऊंट के ऊपर परछाव, ऊंट के परछावों में बैठने, ऊंट के परछाव में बैठने के लिए आपस आपस में रुक बैठने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ऊंट के परछाओं में बैठने के लिए आपस में लड़ रहे थे, क्या कहते हैं, आपस में लड़ रहे थे। ऊंट के मालिक ने कहा कि ऊंट मेरा है, क्या ऊंट के मालिक ने कहा कि ऊंट मेरा है, ऊंट मेरा है, आप सिर्फ किराए में लिया है ना कि पर छाया पर छाया। ऊंट के ऊंट क्यों किराया लेने वाले, क्या है, ऊंट आप सिर्फ किराए में लिया है ना कि ऊंट के परछाया। और ऊंट जो किराए में लिए थे ऊंट ऊंट किराया में लेने वाले किराया में लेने वाले कह रहे थे के किराए में लिया हूँ और साथ साथ परछाया
इसी बात में दोनों डर रहे थे, इसी बात में दोनों लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे? कि ऊंट के मालिक कह रहे थे कि मैं ऊंट को, ऊंट मेरा है और ऊंट आपको सिर्फ किराए में दिया है, और किराया लेने वाले कह रहे थे कि मैं किराया भी ले लिया हूँ, पूरे दिन के लिए लिया हूँ, तो उसका परछाया भी मेरा है। इसीलिए आपस में लड़ रहे थे और उस मैदान में, उस क्या रेगिस्तान में धूप काफी पड़ रही थी उसके साया में बैठने के लिए। ठीक है, ओके, आगे देख रहे हैं। नेक्स्ट आंसर आपका क्वेश्चन है, ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ? सवाल नंबर 4, ऊंट किस लिए भाग, ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ? आपका नेक्स्ट आंसर क्या है कि ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ? दोनों आपस में लड़ रहे थे, इतने में ऊंट मौका पाकर और फिलहाल दोनों लिखना है क्या, दोनों जवाब, जवाब दोनों की ना इत्तफाक थी, दोनों की ना इत्तफाक थी, यानी लड़ाई देख कर मौका गनीमत, क्या हुआ, मौका गनीमत, गनीमत पाकर ऊंट क्या, ऊंट फिरार हो दिया, है ना। आपका आंसर क्या था कि ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ? तो आपका आपका नेक्स्ट आंसर था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ऊंट किस लिए भाग खड़ा हुआ? जवाब में आएगा, दोनों की ना इत्तफाक यानी लड़ाई देखकर मौका गनीमत पाकर ऊंट फिरार हो गया, यानी ऊंट भाग गया। ठीक है, अब उसके बाद लिखे हैं, सही सही और के सामने सही का निशान और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, एक मुसाफिर को, एक मुसाफिर को, एक मुसाफिर को क्या, एक मुसाफिर को, एक मुसाफिर को एक गांव से दूसरे गांव जाना था, जाना जाना क्या था, जाना था, तो उसके सामने आपका एक डब्बा बनाया हुआ है, डब्बा को सही और गलत कैसे लगाएंगे, तो इसलिए सही है तो सही लगा दिए। ठीक है, आगे देखते हैं, दोनों दोनों के
दरमियान एक लंबा दरिया बह रहा था। दोनों के दरमियान एक लंबा दरिया बह रहा था। क्या ये डब्बा बनाया हुआ है और ये क्या हुआ गलत है। ठीक है, मुसाफिर टू में दिया हुआ है, थ्री में दिया हुआ है। मुसाफिर ऊंट की परछाई में बैठ गया। मुसाफिर क्या गया गया। ये आपका आंसर सही है, सही ठीक है, ओके कर लेंगे। ठीक है, ये क्या आपका सही है, सही का ठीक है। ठीक है, मुसाफिर की परछाई में, अच्छा ठंडी मुसाफिर ऊंट की परछाई में बैठ गया। अच्छा फोर में दिए हुए हैं, फोर में दिया हुआ है ठंड की वजह से ऊंट का मालिक भी बहुत थक गया। ठंडी की वजह से, ये आपका आंसर क्या हुआ गलत है ना, तो गलत लिखेंगे। ठंडी ने गर्मी की वजह से थक गया था, यानी पसीना से तरबतर हो गए थे और उनकी परछाई पैर जा रहे थे। मंदर से जेर अल्फाज से जुमले बनाइए। लिखा हुआ है एक नंबर गर्ज, दो नंबर चार नंबर, तीन नंबर में, तीन नंबर में मुसाफिर, क्या है मुसाफिर, चौथे में ताजिर, क्या है ताजिर, उसके बाद पांचवा में तरह, उसके बाद छठे में है बातें, है ना। तो इसका क्या होगा गर्ज है, तो गर्ज का संदेश बनाना है, क्या गर्ज का संदेश बनाना है, जुमला बनाना है। गर्ज की क्या है, गर्ज की ये आपका गर्ज, गर्ज है ये गर्ज में संदेश बनाइए। तो संदेश क्या होगा, मुसाफिर मुसाफिर गर्मी की गर्द से परछाया में बैठा था। क्या है मुसाफिर गर्मी की गर्द से, मुसाफिर गर्मी की गर्द से परछाया में बैठा था। ऊंट, ये क्या है ऊंट, ऊंट ऊंट
को एक राजेश राजस्थान राजस्थान का जहाज कहते कहते हैं मुसाफिर। अहमद अहमद एक मुसाफिर अहमद नाम से एक मुसाफिर है। लिखना है अहमद नाम से एक मुसाफिर है। ताजिर वाहिद एक क्या है एक बहुत बड़ा क्या है ताजिर है। क्या लिखे गज मुसाफिर करने के वजह से परछाया में बैठा था। ऊंट को एक राजस्थान का जहाज कहते हैं। मुसाफिर अहमद नाम से एक मुसाफिर है। ताजिर वाहिद एक बहुत क्या है बहुत बड़ा ताजिर है बहुत बड़ा ताजिर है। तरह आलम मौसम की तरह नेत नेति नेत नेति बदलता है। क्या क्या है तरह आलम मौसम की तरह नेत नेति बदलता है। बातें हमारे क्या है हमारे स्कॉटिश स्कूल क्या है हमारे स्कॉटिश स्कूल के टीचर हमारे स्कॉटिश स्कूल के टीचर हमारे हमारे स्कॉटिश स्कूल के टीचर टीचर हमारे स्कॉटिश स्कूल की टीचर की बात बहुत अच्छी लगती है अच्छी लगती है ना। ये हो गया पढ़िए और लिखिए। उसके बाद लिखे हैं कि आप पढ़िए और खुद लिखिए। तो क्या है उसको आपको बनाना है ना। फिर मैं बच्चों आपको उसको बनाना है पढ़िए और लिखिए राइटिंग आइए और उसको पढ़ के लिखिए और कॉपी में लिख लिखिए ठीक है। उसके बाद लिखा है मतलब से अल्फाज की जमा लिखिए। कहते हैं जमा है ना जमा तो क्या है जमा में क्या है लंबे लंबे लंबा का लंबा हो गया आपका लंबा। उसके बाद क्या रास्ता तो क्या होगा जमा रास्ते हप क्या का हपाए तो क्या होगा रास्ते जमा हपा हपाए तो। उसके बाद मालिक लिखा हुआ क्या है मालिक इमला मालिक का क्या इमला सौदा
सौदा का जमा क्या होगा, सौदा माइल है सौदे, ये आपको लिख लेना है उतार लेना है ठीक है। लंबा का जमा क्या होगा, लंबे, रास्ता का जमा क्या होगा रास्ते, हक का जमा क्या होगा हकायक, हक का जमा क्या होगा हकायक, मालिक का जमा होगा इमला, सौदा का जमा होगा सौदे। तो प्यारे बच्चे आपका सबक यही कह रहा, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, खास करके दुआ में याद रखेंगे।